नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो GNM फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके मॉडल पेपर को मैं बारी बारी से बता रहा हूँ, ताकि उनकी जो कन्फ्यूजन है अपने प्रीवियस पेपर को लेकर के कि पिछले साल जो क्वेश्चन पेपर बने थे वो किस तरह के थे, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ये जो भी कन्फ्यूजन है उसको मैं क्लियर करने के लिए आप सभी को मॉडल पेपर दे रहा हूँ, ताकि आपको अपने सब्जेक्ट को, अपने सिलेबस को या टॉपिक को समझने में बहुत ही आसानी हो जाए, और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपको मिले उसके आंसर आप आसानी से दे सके, या किस तरह से आंसर लिखने हैं वो आपके लिए आसान हो जाए। तो पहले मैंने दो जो आपके सिलेबस हैं, जो दो सब्जेक्ट हैं, इसके पहले दो वीडियो मैं आप सभी को दे चुका हूं मॉडल पेपर के ऊपर, जिसमें मैंने पहला जो सब्जेक्ट है आपका द्रव्यगुण विज्ञान और भैसज्य कल्पना उसका मॉडल पेपर बता दिया, और दूसरा जो सब्जेक्ट है आपका विशिष्ट परिचर्या उसका भी मॉडल पेपर मैंने बता दिया और समझा दिया आपको कि किस तरह से किस क्वेश्चन के आंसर को आपको लिखना है। और जो कन्फ्यूजन है वो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि क्या क्या कन्फ्यूजन है आपकी, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको जो थर्ड पेपर है आपका व्याधि विज्ञान और उपचार उसका मॉडल पेपर, जो पिछले साल जो क्वेश्चन बने थे एग्जाम में, जो क्वेश्चन बने थे, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। और सबसे जरूरी बात जो ये है, मैं ये आपको बार बार ये कह रहा हूं कि आपको जो भी चीजें बताई जा रही हैं उस पर आप ध्यान दीजिए, और टॉपिक को और जो भी पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं सब्जेक्ट या टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीजें आपको बताई जा रही है उसको आप ध्यान से देखिए, ताकि सारी चीजें आपको समझ में आए और कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे। नहीं तो आप बाद में खुद कमेंट करते हो कि सर ये चीजें नहीं समझ में आई, हमको ये चीजें नहीं समझ में आई। तो मैं हर एक चीज को इस तरह से समझाने का प्रयास करता हूं कि आपको अच्छी तरह से उन चीजों को वो चीजें समझ में आ जाए और आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं अभी तक उन्हें ये नहीं समझ में आया है कि हम GNM कोर्स कर रहे हैं तो फाइनल ईयर में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सेकेंड ईयर में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और फाइनल ईयर में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एग्जाम कौन सा होना है, कौन सा नहीं होना है, इंटर्नशिप कैसी करनी है। तो जब आप ये सारी चीजें नहीं समझ रहे हो तो कैसे आपको अपने जो टॉपिक है या जो भी सिलेबस के जो भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो कैसे समझ में आएगा। तो मैं एक एक चीज आपको इसलिए डिटेल में बताता हूं ताकि आपको एकदम सामान्य भाषा में सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाए, और आप अपने सब्जेक्ट और सिलेबस और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको समझ करके अपने हिसाब से उसका आंसर लिख सकें। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं डायरेक्टली टॉपिक की ओर चलता हूं, और बार बार मैं कहता हूं कि वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि वीडियो अगर आप फॉरवर्ड करके आप देख लोगे तो फिर आपको बस क्वेश्चन समझ में आएंगे, उसका जो सॉल्यूशन मैं बताऊंगा वो चीजें नहीं समझ में आएंगी, फिर आप लाइफ टाइम कंफ्यूज रहोगे, तो मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो। तो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो चीजें नहीं समझ में आती है उसको कमेंट करके आप बताइए, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आप सभी को दे सकूं। तो मैंने बता दिया है कि इस वीडियो में बात करेंगे आपके सब्जेक्ट नंबर थर्ड, जो थर्ड सब्जेक्ट है आपका व्याधि विज्ञान एवं उपचार उसका मॉडल पेपर और मॉडल क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले ही मैं बता चुका हूँ कि 100 नंबर का आपका हर एक पेपर है, और वाइवा भी आपका 100 नंबर का ही होता है। तो 4 पेपर होने हैं, तो 400 नंबर के आपके थियोरी के पेपर और 400 नंबर का आपका वाइवा, तो 800 नंबर के आपके ये एग्जाम है फाइनल ईयर के। पहले ही बता चुका हूं कि जितने भी GNM के स्टूडेंट हैं या फार्मेसी के जो भी स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा फार्मेसी के जो स्टूडेंट हैं, उनके क्वेश्चन पेपर में 7 क्वेश्चन होते हैं और किसी 5 प्रश्न का आंसर आपको देना होता है। तो व्याधि विज्ञान और उपचार का जो ये मॉडल पेपर है, या व्याधि विज्ञान और उपचार का जो सब्जेक्ट है, इसमें जो सब्जेक्ट का नाम है वो आपके सब्जेक्ट को डिफाइन करता है। व्याधि विज्ञान और उपचार सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट को इसलिए डिफाइन कर रहा है क्योंकि इसमें बस रोग और उपचार के बारे में ही टॉपिक होते हैं, कोई अलग से टॉपिक नहीं होता है। इसी के ऊपर बेस्ड है आपका ये मॉडल पेपर। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निदान शब्द का अर्थ क्या है, निदान आदि पंच विधि का वर्णन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है निदान शब्द का अर्थ क्या है, निदान आदि पंच विधि का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले अगर आपने क्लासेस अपनी अटेंड नहीं किया है, आपके कॉलेज में क्लास नहीं चली है, तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए बहुत ही सही समय है ये कि आप इस चीजों को रिवीजन कर ले आसानी से, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप, अगर आपको सारी चीजें नहीं समझ में आती है तो मैं एक एक सॉल्यूशन वीडियो भी आप सभी को देने वाला हूं। चैनल से बने रहिएगा तो आपको इसके सॉल्यूशन वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। जो टॉपिक बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही है उस पर भी मैं आपको वीडियो बना करके दे दूंगा।
तो आप वहां से सारी चीजें समझ सकते हो। तो मैं बहुत ही कम शब्दों में चीजों को समझाने का कोशिश कर रहा हूं। आप उसको अगर नॉर्मली समझने का प्रयास करेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो क्वेश्चन है, निदान शब्द का अर्थ क्या है? तो निदान, सबसे पहले तो निदान का मतलब ये है कि रोग का कारण जान करके जो उपचार किया जाता है उसे ही हम निदान कहते हैं। मतलब कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी रोगों के निदान हैं, सबसे पहले रोगों के लक्षण को देख करके हमें ये पता चलता है कि रोग क्या है, और उसके अनुसार जो वैद्य हैं या चिकित्सक हैं वो बताते हैं कि उस में उपचार कौन सा किया जाना है, और उपचार करने के उपरांत कुछ समय बाद उसका निष्कर्ष निकल के आता है, बीमारी खत्म हो जाती है, तो उस चीज को ही हम निदान कहते हैं। तो निदान शब्द का सामान्य अर्थ यही है। फिर कह रहे हैं निदान आदि पंच विधि का वर्णन कीजिए। जब यहाँ पे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, आप यहाँ पे फंस रहे हो, तो इसके लिए मैं बता दूं कि निदान आदि पंच विधि एक आयुर्वेद में बताई गई विधि है कि निदान की पांच विधियां होती हैं, और उसी के अनुसार जो भी चिकित्सक है या वैद्य है वो इलाज करते हैं। तो निदान आदि पंच विधियां जो है उसमें पांच चीजें हैं। सबसे पहला तो रोग का निदान, तो रोग का निदान, फिर उसके बाद से रूप, प्रारूप, उपसर्ग, इस तरह से करके पांच चीजें होती हैं जिसमें निदान की पंच विधियों का वर्णन किया हुआ है। तो जिसमें सामान्य रूप से पहले रोग के लक्षण जानने होते हैं, रोग पूर्व अनुमान लगाना होता है कि जो व्यक्ति है उसको पहले क्या बीमारियां थी और किस तरह से रोग उसको हुए थे, रोग के लक्षण क्या है, इस तरह की सारी चीजें इसमें आती हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको निदान आदि पंचविधि के लिए एक अलग से वीडियो दे दूं, निदान पे एक आपको अलग से लेक्चर का वीडियो दे दूं, जिससे आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, अरिष्ट लक्षणों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो अरिष्ट लक्षण सबसे पहले समझ लेते हैं क्या। तो अरिष्ट लक्षण का मतलब जो रोग के लक्षण होते हैं जो ये बताते हैं कि बीमारी कितनी घातक है और कौन सी बीमारी है, बीमारी को पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि परिभाषित कर देते हैं उनके लक्षण ही, उसी को हम अरिष्ट लक्षण कहते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि बीमारी कितनी खतरनाक है और किस पोजीशन, किस अवस्था तक मरीज को ले जा सकती है, तो उसी को ही हम अरिष्ट लक्षण कहते हैं। इस तरह से टॉपिक को समझ करके आप इसके ऊपर आंसर अपने मन से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद से है, अनुपान क्या है, इसकी विधि तथा अनुपान की मात्रा का उल्लेख कीजिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अनुपान, अनुपान का मतलब हम सहायक द्रव्य भी कह सकते हैं, या इस तरह से कह सकते हैं जो भी औषधियां हैं या जो भी दवाइयां हैं जिनको हम लेते हैं, तो उनको जिन भी सहायक द्रव्यों के साथ प्रयोग में लिया जाता है उसे ही अनुपान कहते हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिन्हें हम उष्ण जल से लेते हैं, मतलब गर्म पानी से लेते हैं या दूध से लेते हैं, बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिनको शहद के साथ ली जाती हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं अनुपान है। अनुपान की मात्रा का भी वर्णन है, किन दवा के साथ किस चीज का अनुपान, कौन सा अनुपान कितनी मात्रा में लेना है, उसके बारे में भी आपको इसमें लिखना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चौथा नंबर, जिसमें वमन एवं विरेचन का विस्तृत वर्णन करने के लिए बोल रहा है। तो वमन क्या है? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करके मरीज को उल्टी करानी होती है, तो उसे ही वमन कहते हैं। अब ये अवस्था के ऊपर डिपेंड करता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस सिचुएशन में मरीज को वमन कराने की कोशिश करते हैं। कभी कभी मरीज विषैला पदार्थ ले लेता है तो सिचुएशन में उसको वमन कराने के लिए वमन औषधियां दी जाती हैं। तो वमन का वर्णन आप इसमें कर सकते हैं, किस हिसाब से वमन किया जाता है। या कभी कभी ये भी होता है कि हमारा जो आमाशय है पूरी तरह से अपच के कारण भोजन उसमें सड़ रहा है, डाइजेशन सही नहीं हो रहा है, तो वैद्य क्या करता है, दवाइयां दे करके वमन करा करके आमाशय को साफ करने का प्रयास करता है, तो उसे वमन में आप लिख सकते हो। विरेचन, तो विरेचन करने के लिए भी मुख के मार्ग से ही दवा दी जाती है, जिसके बाद से मल जो है गुदा मार्ग द्वारा बाहर निकाला जाता है। पेट साफ करने की प्रक्रिया जिसमें आंतों को साफ किया जाता है, जिससे मरीज में रोगों की कमी आती है, मरीज को जठराग्नि उसकी प्रदीप्त हो जाती है, भूख वगैरह लगने लगती है और अपच की जो समस्या है खत्म हो जाती है, तो वो विरेचन की प्रक्रिया होगी, इसमें आप इसमें लिख सकते हैं। उसी तरह से निम्न पर टिप्पणी लिखने के लिए आपको बता रहा है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि शॉर्ट जो नोट हैं, शॉर्ट नोट आते हैं, टिप्पणी के क्वेश्चन आते हैं, तो सभी में दो दो टिप्पणी है, लेकिन एग्जाम में आपको कभी कभी किसी क्वेश्चन में चार टिप्पणी मिल जाती है। अगर दो मिलेगा तो आपको 10-10 नंबर के हो जाएंगे, 20 नंबर आपको एक क्वेश्चन पे मिलना है, ये भी दिमाग में रखना है आपको। तो
तो टिप्पणी है इसमें, चार टिप्पणियां हैं, पांचवें प्रश्न में चार टिप्पणियां है। सबसे पहले दे रहा है नाड़ी परीक्षा, तो नाड़ी परीक्षा मतलब जिसको पल्स ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं, पल्स टेस्ट भी कह सकते हैं। तो नाड़ी परीक्षा पल्स किस किस तरह से चेक किया जाता है, नॉर्मल पल्स रेट क्या होती है, ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। थर्मामीटर, अब सामान्य थर्मामीटर क्या, क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, और फिर जो इस समय जो यूज हो रहा है मॉडर्न थर्मामीटर वो कौन सा, इलेक्ट्रो थर्मामीटर जिसको बोल रहे हैं वो किस तरह से होता है, किस तरह से काम करता है, मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है, ये सारी चीजें आप इस टॉपिक में लिख सकते हैं। औषधि सेवन काल, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि आपको ये लगता है कि औषधि सेवन काल है तो हम आसानी से लिख सकते हैं, तो औषधि सेवन काल का मतलब औषधियों को लेने का समय। इस पे भी मैं जब डी फार्मा का मॉडल पेपर आप देखोगे तो उसमें डिप्लोमा फार्मेसी में मैंने औषधि सेवन काल भी बताया हुआ है, और कुछ ऐसे भी टॉपिक है जिसमें औषधि सेवन काल आया था, तो मैंने औषधि सेवन काल को भी अच्छे से समझाया था। तो बस आप इतना जान लीजिए औषधि सेवन काल का मतलब कि जिस औषधि को हम जिस समय लेते हैं, चाहे भोजन के उपरांत लें, भोजन से पूर्व लें, भोजन के साथ लें, वही औषधि सेवन काल कहलाता है। फिर प्रदर है, प्रदर रोग को आपको इसमें परिभाषित करना है, बताना है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें दो टिप्पणी है, पहला है मूत्र परीक्षा और फिर है अग्निमात्र। तो मूत्र परीक्षा कब की जाती है, कैसे की जाती है, किस तरह से मूत्र परीक्षा करनी है, क्यों मूत्र परीक्षा की जाती है, किन बीमारियों में की जाती है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब अग्निबांध क्या है, अग्निबांध को हम अपच भी कह सकते हैं, अग्निबांध को सामान्य भाषा में अगर कहें तो अपच हो जाएगा। जब भोजन पचता नहीं है किसी कारणवश तो उसे हम अग्निबांध या अपच कहते हैं। तो अपच की समस्या दूर करने के लिए उपाय, अपच क्यों हो रहा है, किस तरह के भोजन को हमें लेना चाहिए ताकि हमारा डाइजेशन सही रहे, तो ये सारी चीजें आप अग्निबांध में लिख सकते हो। फिर सातवां प्रश्न है जो कि अंतिम है, इसमें दो टिप्पणी है, पहला है शिशु भैषज। शिशु भैषज का मतलब नवजात शिशु या छोटे बच्चे जिनके रोगों के ऊपर काम करने के लिए जो औषधियां, इलाज करने के लिए जो औषधियां तैयार की गई हैं, जो औषधि दी जाती है या जिस हिसाब से उनकी चिकित्सा की जाती है वो शिशु भैषज कहलाता है। तो शिशु भैषज में ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है ख है नस्य, तो ये बहुत ही सामान्य सा टॉपिक है, नस्य दिनचर्या का टॉपिक है। नस्य का मतलब कि नाक में तेल डालना या औषधीय तेल को नाक में डालने को ही हम नस्य कहते हैं। तो इस तरह से आप इसमें ये नस्य के बारे में लिख सकते हैं। तो जो व्याधि विज्ञान और उपचार का जो मॉडल पेपर था आपको मैंने समझा दिया, आशा करता हूं कि सारी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ चीजें रह गई, नहीं समझ में आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको प्रॉपर सोल्यूशन उसका देने का प्रयास करूंगा। और बार बार मैं कहता हूं कि आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो, सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं, तो आप रिवीजन करने की आदत डालिए ताकि आपको ये ना लगे कि आप अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह से नहीं जान रहे हो, आपको सारी चीजें नहीं समझ में आई, टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, ये आपके दिमाग में न रहे। तो जितनी भी चीजें बताई जा रही हैं उस पर ध्यान दीजिए और आपको सारी चीजें आसान लगने लगेंगी, आपको नहीं लगेगा कि आपका कोर्स बेकार है, आप बेकार हो जाओगे। तो जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे सारी चीजें बेकार लगेंगी, लेकिन जब पढ़ाई करने लगोगे तो आपको ये सारी चीजें सही लगेंगी। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको लास्ट पेपर, आपका चौथा जो पेपर है मानस रोग परिचर्या, उसके ऊपर मैं आपको मॉडल पेपर देने वाला हूँ। तो अब तक वीडियो का वेट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो मानस रोग परिचर्या के ऊपर होगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।